पंजाब के मोहाली में दो दिन पहले खुफिया विभाग के मुख्यालय में ग्रेनेड से हुए हमले के बाद अब पंजाब से सटे हरियाणा में भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरियाणा प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान हरियाणा पुलिस और GRP मिलकर स्पेशल अभियान चला रही है। अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है और यात्रियों के सामान की भी जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर संदिग्ध व्यक्तियों पर रेलवे पुलिस विशेष नजर रख रही है। सारे स्टेशनों के ऊपर GRP जो है अपनी चेकिंग कर रही है। किसी प्रकार का कोई संदिग्ध आदमी अपने सामान लावारिस वगैरह सामान की चेकिंग कर रहे हैं, आने जाने वाले ट्रेनों की चेकिंग कर रहे हैं। जो हमारे DGP साहब की तरफ से आदेश है पूरे हरियाणा में कब तक चलेगी चेकिंग या जारी रहेगी लगातार जैसे चेक होता रहे? शाम 4 बजे तक चलेगी, सुबह 9 बजे से चल रही है। बीच बीच में भी चेक करते रहेंगे आप? बीच में सारी गाड़ियाँ जो आएंगी गाड़ियाँ चेक करेंगे, जो भी पैसेंजर जिसके ऊपर शक होगा उस पैसेंजर को चेक करेंगे, बाकी अवेयर करेंगे लोगों को। किसी को कोई ऐसा संदिग्ध सामान दिखाई देता है तो इसको कंट्रोल को हमारे को सूचित कर तुरंत। आपको बता दें पंजाब के मोहाली में हुई घटना और देश के कई रेलवे स्टेशनों में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए ये स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया है। रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF पुलिस द्वारा सुरक्षा का मोर्चा संभाला गया है। यहाँ पर आने वाले यात्रियों के सामान की गहनता से जांच की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। मोहाली की घटना से पहले भी हरियाणा के करनाल में 4 आतंकियों के मिलने से हड़कंप मच गया था। उससे पहले आतंकी संगठनों ने कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। पंजाब की CCTV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।